हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके उत्तर प्रदेश टैबलेट स्मार्टफोन योजना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा जो है ट्विटर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है, जो यूपी के सभी छात्रों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा क्या गया है कि कोरोना काल में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक के साथ ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि उत्तर प्रदेश में टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है वह लगभग सभी कॉलेजों में किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में तकनीक के साथ जो है ऑनलाइन एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं, बोला गया है कि आज प्रदेश सरकार स्नातक व परा स्नातक के छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण का कार्य जो है युद्ध स्तर पर बढ़ा रही है। जी हां दोस्तों, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण है बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है यूपी के लगभग सभी कॉलेजों में जो है बहुत ही जल्द टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण है वह पूरा होने वाला है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज भी आज सामने निकल करके आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि 16,000 छात्रों को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। दोस्तों, किन छात्रों की बात की जा रही है, किन छात्रों की बात नहीं की जा रही है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हेडलाइन में बताया गया है कि 7 अप्रैल को GDC व 8 को CSN के छात्रों को होगा वितरण। तो इसका मतलब क्या है आपको वीडियो में बताया जाएगा। आगे देख सकते हैं, बोला गया है कि जिले के दोनों राज्य मंत्री करेंगे वितरण। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, जिस भी जिले में टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है उस जिले में जो है राज्य मंत्री के द्वारा जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है कि जिले के 16,000 स्नातक व परा स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। स्नातक के छात्रों को स्मार्टफोन और परा स्नातक वालों को टैबलेट वितरण की योजना है। GDC व CSN PG कॉलेज के लिए कार्यक्रम भी निर्धारित हो चुका है। 7 अप्रैल को GDC और 8 अप्रैल को CSN PG कॉलेज के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। GDC के 436 छात्रों को 7 मार्च को कॉलेज के सभागार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के हाथों से टैबलेट व स्मार्टफोन बांटकर शुरुआत की जाएगी। इसके दूसरे दिन 8 मार्च को CSN PG कॉलेज के 682 छात्रों को इसका वितरण होगा। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि CSN PG कॉलेज के छात्रों को शहर के रखसान प्रेक्षागृह में टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कॉलेज के 682 छात्रों को इनका वितरण होगा। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के हाथों से वितरण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका हरदोई जिला है, क्योंकि दोस्तों यह जो न्यूज़ है आपके हरदोई ज़िले से सामने निकल करके आ रही है। इसका मतलब यह है कि हरदोई ज़िले के जितने भी छात्र हैं लगभग 16,000 छात्रों को जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण है वह किया जाएगा। और यह जो वितरण है आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं कि 7 अप्रैल और 8 अप्रैल, यानी कि कल और परसों जो है इन छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन जो है बहुत ही तेज़ी से जो है वितरित किया जाएगा। इस तरीके का आप यहाँ पर न्यूज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आप भी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर हमारे ज़िले में कब टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा? तो दोस्तों, परेशान नहीं होना है आपको। जैसा कि मैंने पिछले ट्वीट के माध्यम से बताया कि यूपी में जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण है वह युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही तेज़ी से टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण है वह हो रहा है। तो इस तरीके से यूपी के सभी जिलों में जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा बहुत ही जल्द, यानी कि आप कह सकते हैं कि आने वाले लगभग 10 दिनों के भीतर जो है यूपी के सभी कॉलेजों में टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण का कार्यक्रम है वह पूरा हो जाएगा। और आपको भी जो है टैबलेट और स्मार्टफोन जो है आने वाले 10 दिनों के भीतर जो है लगभग मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।